आपके पास नहाने और आपके कपड़े धोने का बिल्कुल वक्त नहीं। मिस्टर हैक को एक बढ़िया लाइफ हैक पता है, अपने कपड़े पहन कर ही नहा लें, अपने बालों पर साबुन लगाएं, आप वक्त और पानी बचाएं। और कुछ बच गया था जिंदगी में देखने के लिए? ये कपड़े पहन के नहा रहा यार, वैसे तो रात को कपड़े पहन के सो जा, जूते पहन के सो जा, सुबह उठ के टाइम बच जाएगा तेरा कपड़े पहन के जाने का। भैया अगर तुम कपड़े धो नहीं सकते तो फिर पहनते ही क्यों, ऐसे ही घूम लो ना। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं, कोई मुंह से बोलते हैं, कोई नाक से बोलते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये महिला कौन से चित्र से बोलती है, ये मतलब इसकी आवाज अलग ही चलती है यार। इंडी, चैनल बदलो, मैं नहीं बदल सकती क्रिस्टी। यार इसको किसने करंट वरंट मार दिया है क्या, इतना हिलता है यार ये। ओके तो सब नहाते हैं, मैं कपड़े पहन के नहाता हूँ, साबुन लगाता हूँ, लकस का। यार मुझे ये बताओ कि एक साधारण व्यक्ति वॉशरूम जाके क्या करता है, हल्का ही होता है ना, लेकिन ये महिला को देखो। आपने अपना फोन एक टॉयलेट में गिरा दिया। अरे नहीं, नई टॉयलेट सीट एक रक्षक जाली के साथ आपके फोन की जिंदगी बचाएगी। हाँ तो भैया वॉशरूम जाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि निशाना सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं मतलब वेस्टर्न टॉयलेट बनाने वाले तो पागल है, उनको ये थोड़ी पता था कि तुम डायरेक्ट जाके अपना फोन ही उसमें डाल दोगे। मैडम ये सीट ले लो, मैडम ये जादुई सीट है, इस पे बैठ के ना आपको यहाँ पे लाइटें जलेंगी, आपको यहाँ बैठ के टाइल्स नहीं गिनना पड़ेगा, जिंदगी में आपके मजे आ जाएंगे। ये सीट वगैरह चिंदी चिंदी बोला मुझे। पहले तो मुझे ये बताओ कि सचिंदर को अंदर जाने की परमिशन किसने दी, अगर ये गलती हमारे यहाँ कर लेता ना तो कसम से दूसरी बार दिखता भी नहीं, नजर भी नहीं आता उधर आसपास, इतनी बुरी कुटाई होती। क्या मॉडल ने अपने हाथ गंदे कर लिए? अरे नहीं, अपना बेकार का कागज दूर ले जाओ, मेरे पास अपनी सफाई वाली बेल्ट है। अच्छा तो हमारा इतने समय से चूतिया कट रहा था, नहीं हम तो पोकेट में हैंकी ले लेके घूम रहे थे। भैया असली तरीका तो ये है, दो थैले लटका के घूमो, जिधर गंदे हो उधर हाथ धो लो। नहीं भैया कहाँ से लाते हो इतना क्रिएटिव माइंड, कहाँ से बनाते हो, जरा हमें भी तो बताओ कैसे बनाया ये नया उपकरण। घर की दो गंदे थैले ढूंढे, उन थैलों के साथ थोड़ा सा शैम्पू लगाए और इसी शैम्पू से पहले अपनी गाड़ी धोए, फिर अपने जेब में लेके घूमे। आहा, जिंदगी का असली स्वाद गंदे पानी में हाथ धोने में आता है, सैनिटाइजर में नहीं। मैं तेरा देखूंगी फोटो ले। हाँ तो भैया आपसे कोई सैनिटाइजर और हैंड सॉप लेके नहीं घूमेगा, समझ गए? ये थैले लटकाओ दोनों, एक शैम्पू भी बॉडी शैम्पू लगाओ और मस्त दिन भर घूमो उसको लटका के, जिधर हाथ गंदे उधर उगाओ। ओके ओप्स, और मैंने अपने हेडफोन्स भी खो दिए, हेडफोन बाहर आओ। हाँ कुत्ता है ना वो, जब बाहर आ जाएगा हुल्ल करने पर। चला हेडफोन भी बोल रहा होगा, मनी मन कुत्ता बना रखा है मेरे को। छेद बनाए, इसमें एक हेडफोन डाले, दो हेडफोन्स के लिए लिप ग्लॉसेस का एक जोड़ा बना ले। अब तुम्हारे हेडफोन्स और लिप ग्लॉस हमेशा साथ रहेंगे और तुम उन्हें कभी नहीं खोगी। हम लड़के क्या करें, नहीं हम क्या करें मतलब उंगली में छेद करके पीना ले, जब भी फोन आएगा ऐसे करेंगे तो अभी कान भी साफ हो जाएगा और बात भी हो जाएगी हमारी। तो अपने आसपास के लोगों से थक गई हो, हर किसी को तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन तुम शांति से पढ़ना चाहती हो। टोपी के ब्रिम पर ग्लू से दो पर्दे चिपकाएं। जब तुम्हारे पास ये टोपी होगी तो लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, बस पर्दे को बंद कर लेना। दिख तो नहीं रहा ना, मतलब अलग ही लॉजिक चल रहा है इनका, अगर पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हो तो ऐसे करके चुप जाना, तो नहीं कसम से पुलिस वाले ऐसे निकल जाएंगे सीधे, तो सब लॉजिक है यार तुम्हारा। और यार ये समझ में नहीं आता कि साला टोपी वाला बार बार पीछे से पकड़ किधर से हो जाता है ये। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।